बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। अज असी बनावांगे फालसियां दा जूस। फालसे असी धो के अच्छी तरह खुश्क कर लिते ने, जो इन्हां च गंद डस्ट वगैरह हुंदी वह सब असी साफ कर लिता है। तो असी मंगवाया नाल पुदीना। पुदीने नूं भी असी डंडियां तो अलहदा करके, इन्हां दी पत्तियां अलहदा करके, इन्हां नूं असी अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिता है। जग दे विच तुसी ऐड करो फालसा। इन्दे विच तुसी ऐड करो हसबे जरूरत चीनी, हल्का या नमक। नमक तुसी हल्का डालना है क्योंकि असी काला नमक भी ऐड करना है। हुणे तुसी डालो काला नमक, जिहदे नाल बहुत अच्छा जायका आता है। तो थोड़े जे पुदीने दे पत्ते, ठंडा पानी, सारियां चीज़ां असी इहदे विच ऐड कर लीतियां ने। हुण असी इहदा ध्यान दे बंद। हुण इहनूं असी करांगे ग्रैंड। पुदीने दे नाल बहुत खूबसूरत लग रहे ने फालसे। हुण असीं बनावांगे जूस। रेडी है। कुछ लोग छान के इंदे पल्प वगैरह बीज कढ के पींदे ने, तो कुछ लोग बगैर छाने पींदे ने, लेकिन असीं इहदा छान के गुद्दा कढ लैंदे। जूस रेडी है पल्प वाला, जिहदे विच बीज ते गुद्दा सब कुछ ऐड है। तो बगैर पल्प तो जिहनूं असीं छान लिता है, जिहदे विच गुद्दा बीज पल्प वगैरह सब कुछ असीं अलहदा कर लिता है। गर्मियों के फालसा आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जिगर वास्ते, मेदे वास्ते, मसाने वास्ते। फालसियां का शरबत बनाओ, अपने छोटे वड्डे बच्चों पिलाओ। सर दर्द वास्ते भी बहुत मुफीद है, जिसम ताकत तवानाई पहुँचाता है। फालसे का शरबत रेडी है पल्प वाला, तो बगैर पल्प तो छोटिया वड्डिया सब नू पिलाओ। तो दुआवां विच याद रखो, इंशाल्लाह जिंदगी रही। दोबारा किसी और वीडियो नाल हाजिर होवांगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।